तो पहला क्वेश्चन जो है अपने पास नॉर्मल ऐसा बता रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया अपने पास नॉर्मली एक फॉर्म में बता रहे हैं, ठीक है। मैंने स्टार्ट कर दिया मैंने फिर देखो पहला क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहे हैं, अन एजेंट। ओके, अन एजेंट। ओके, अन एजेंट चार्जेस 12% कमीशन। क्या बोल रहे अपने को, 12% कमीशन ऑन द सेल्स, मतलब जितने भी सेल्स हो रहे हैं तो सेल्स के ऊपर नॉर्मली क्या करके बोल रहे अपने को कि 12% की कमीशन चार्ज करके बोल रहे। देन अपने को क्या फाइंड आउट करने का बोल रहे हैं, एंड आगे अपने को ऐसा बता रहे हैं कि व्हाट डज ही अर्न इफ द टोटल सेल्स अमाउंटेड टू रुपीज 48,000। मतलब 48,000 का अगर नॉर्मली टोटल सेल्स हो रहे हैं, कितने का हो रहा है अपने पास से, 48,000 का टोटल सेल्स हो रहे हैं। सो आपके जो वॉइस है, ओके, जिसका भी माइक म्यूट पे मतलब ऑन है, तो आपके माइक को म्यूट पे रखो। अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो आप लोग चार्ज के थ्रू बता सकते हैं। देखो इधर अपने पास नॉर्मली एजेंट की जो कमीशन नॉर्मली कितना बोल रहा है अपने को, 12% करके बोल रहे हैं, एंड टोटल सेल्स अमाउंट टू, मतलब टोटल सेल्स कितना किया, 48,000। अभी अपने को क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं, व्हाट डज द सेलर गेट, मतलब सेलर को कितना अमाउंट मिल रहा है वो अपने को फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं। मतलब सेलर को नॉर्मली कितना अमाउंट मिल रहा है वो अपने को फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। मैंने क्या कर रहा हूँ, उसे फाइंड आउट कर दे रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, मैंने फाइंड आउट कर, पहला अपने पास नॉर्मली क्या करके बोल रहे थे, देयरफॉर मैंने सोल्यूशन सॉल्व कर रहा हूँ इधर से। ओके, अपने पास दिया टोटल सेल्स दे दिया, क्या दिया अपने पास है, टोटल सेल्स दिया। टोटल सेल्स कितना बता रहा है अपने को, 48,000 का टोटल सेल्स बता रहे। ओके, तो इधर लिखा मैंने 48,000 डेट। अब उसके बाद रेट ऑफ कमीशन अपने पास दिया, देयरफॉर मैंने क्या कर रहा हूँ, रेट ऑफ कमीशन अपने पास नॉर्मली अपने को ऐसा बता रहे थे, और एक चीज दिया अपने को, रेट ऑफ कमीशन इज इक्वल टू 12% पर एनम करके बोल, मतलब 12% का कमीशन दे दिया। एंड फिर अमाउंट ऑफ कमीशन कितना हो सकता है, फिर देखो मैं अमाउंट ऑफ कमीशन मतलब कमीशन की अमाउंट कितना हो रहा है अपने को फाइंड आउट, देखो अमाउंट ऑफ कमीशन, ओके, अमाउंट ऑफ कमीशन इज इक्वल टू नॉर्मली क्या रहेगा, फिर 48,000 जितने भी सेल्स किया उसके साथ अपने को क्या करना पड़ेगा, फिर कमीशन मतलब रेट ऑफ कमीशन को मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। मैं रेट के साथ मैं मल्टीप्लीकेशन करूँ, मतलब क्या करके बोल रहा मैंने, फिर 48,000 इंटू 12%, मतलब 12/100। अभी देखो ये वाला जीरो, ये वाला जीरो कैंसिल। अब मुझे बताओ ये 48 तो 480 बचा अपने पास, 480 इंटू 12 कर, फिर 480 इंटू 12 करने पर जीरो, और 2 8 16 होता है सोनो, देन 2 4 8 8 + 1 9 हो गया, एंड इधर आएगा जीरो और इधर 8 है, मतलब 1 8 8 और 1 4 नॉर्मली कितना रहेगा, 4। ओके, वैसे हमने प्लस किया तो नॉर्मली क्या रहेगा, 0 6 एंड 9 + 8 कितना होगा, 17 बराबर 1 क्या है, मतलब कितना हो गया कमीशन मेरे पास से, 5760 रुपीज जो है मेरे पास क्या हो गया अभी कमीशन। अभी अपने को एक्चुअली कमीशन फाइंड आउट करने के लिए बोला क्या, नहीं, अपने क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं, फिर अपने को व्हाट डज द सेलर गेट, मतलब सेलर को अमाउंट कितना मिल रहा है, समय मार ना, सेलर को अमाउंट कितना मिल रहा है वो अपने को फाइंड आउट करना है, सेलर को अमाउंट कितना मिल रहा है वो अपने को फाइंड आउट करना है, ठीक है। मैंने क्या कर रहा हूँ, फिर सेलर को जो अमाउंट मिल रहा है उस अमाउंट को मैंने फाइंड आउट कर दो, देखो नॉर्मली आगे ऐसा लिख लो मैंने, देखो ओके ऐसा लिखा मैंने, द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय, ओके, रिसीव्ड बाय सेलर इज इक्वल टू नॉर्मली टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलर इज इक्वल टू नॉर्मली क्या रहेगा तुम्हारे पास, है टोटल सेल्स, मतलब जितने भी सेल्स किया उसमें से क्या करो कि कमीशन को माइनस करो, टोटल सेल्स माइनस क्या करो मैंने कमीशन को निकाल दो। अब मुझे बताओ टोटल सेल्स कितना था मेरे पास, 48,000 था, बोल रहे ना टोटल सेल्स कितना था मेरे पास, 48,000। सो मैंने इधर 48,000 में से कमीशन को निकाल दो, मतलब कमीशन कितना हो गया, 5760। अभी अगर नॉर्मली देखो 48,000 में से मैंने नॉर्मली क्या कर दो, 5760 रुपीज को लेस कर दो, जीरो मतलब 10 कैरी, ओके क्या हो गया 10 कैरी, 10 कैरी करने पर क्या होगा, 4 बचेगा, सॉरी ओके 10 कैरी करने पर नॉर्मली क्या होगा मेरे पास से, 4 बचेगा, देन अगेन 10 कैरी किया, 9 में से 7 गया तो नॉर्मली कितना बचेगा, 2 हो जाएगा, देन 7 में से 5 जाने पर क्या होगा, 2 बचेगा, एंड इधर बचेगा 4, मतलब कितना हो गया तुम्हारे पास इससे टोटल अमाउंट, नॉर्मली मेरे पास होता है 42,240 रुपीज जो है मेरे पास नॉर्मली कैसे सेलर को मिलता है, देखो सेलर कितना रिसीव किया अपने पास इससे नॉर्मली 42,240 रुपीज का अमाउंट जो सेलर को नॉर्मली मिला, ये है तुम्हारा फाइनल आंसर। फास्ट में लिख के ले लो ताकि उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर अगर आपका हुआ तो आप लोग बता सकते हो सर मेरा हुआ करके, ओके।
आपको लिखने के लिए 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैंने। क्वेश्चन आपको सबको समझ में आया क्या? इसके अंदर कोई किसी को डाउट है? इसके अंदर आप लोग को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं आपको। देखो इधर समझा रहा, आपके माइक को म्यूट पर रखो। देखो माइक को म्यूट पर रखना है, माइक को म्यूट पर रखना है। अभी देखो आगे क्या बोल रहे हैं, ऑन एजेंट। देखो क्या बोल रहे हैं अपने को, ऑन एजेंट चार्जेस 12% कमीशन ऑन द सेल्स। देखो ऊपर मैं लिख रहा हूँ 12% कमीशन चार्ज करे, जितने भी सेल्स हो उसके ऊपर 12% कमीशन चार्ज करे। कौन चार्ज कर रहे? एजेंट ने चार्ज करे, बराबर है ना। तो अब आगे क्या बोल रहे हैं, व्हाट डज ही अर्न इफ द टोटल सेल्स, मतलब टोटल सेल्स कितना हो गया 48,000, मतलब एजेंट ने टोटल अमाउंट कितना अर्न, तो एजेंट ने कितना अमाउंट अर्न किया 5,760 रुपीज को एजेंट ने अर्न किया। एंड व्हाट डज द सेलर गेट, मतलब सेलर को। और अभी मेरा वॉइस आ रहा है क्या? यस सर आ रहा है। अब ध्यान दो, अब आगे देखो, ये समझ में आप लोग को इधर तक टोटल अमाउंट। अब देखो द टोटल अमाउंट रिसीव बाय सेलर, अपने को दो चीज फाइंड आउट करने के लिए, मतलब एजेंट ने कितना अमाउंट रिसीव कर रहे हैं और साथ में सेलर ने कितना अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, और सेलर को कितना अमाउंट मिला फाइनली और एजेंट को कितना अमाउंट फाइनली मिला, वो अपने को फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं। तो उसके हिसाब से मैंने क्या किया, फिर दोनों अमाउंट फाइंड आउट किया, द अमाउंट ऑफ कमीशन फाइंड आउट किया। अमाउंट ऑफ कमीशन कौन लेगा? एजेंट लेगा। देखो द अमाउंट रिसीव बाय एजेंट, क्या करके लिख लो मैंने, द अमाउंट ओके रिसीव्ड बाय एजेंट। ओके एजेंट ने नॉर्मली कितना रिसीव किया, फिर 5,760 जो कमीशन था, कमीशन कौन रिसीव किया, एजेंट ने रिसीव किया। और सेलर ने कितना रिसीव किया, फिर देखो द अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलर। ओके द अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलर, सेलर ने कितना रिसीव किया, फिर सेलर ने 42,000। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेल्समैन रिसीव्स 3% कमीशन, मतलब सेल्समैन क्या कर रहे हैं, फिर 3% की जो कमीशन रिसीव किया अप टू, मतलब 50,000। अगर 50,000 तक वो सेल करेगा तो उसको कितना कमीशन मिलेगा, 3% कमीशन। एंड 4% कमीशन ऑन द सेल्स होगा, मतलब 4% कमीशन किसके ऊपर मिलेगा, फिर जो 50,000 के ऊपर ज़्यादा भेजेंगे, ओके उसके ऊपर उनको कितना मिलेगा, फिर 4% कमीशन मिलेगा। देन फाइन क्या बोल रहे अपने को, फाइन इज टोटल इनकम ऑन द सेल्स ऑफ रुपीज 2 लाख, मतलब 2 लाख का सेल करने पर उनका टोटल इनकम कितना होगा, वो अपने को फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं। क्वेश्चन समझ में आया सब लोग को? देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन को एक्सप्लेन करो। देखो क्या करके बोल रहे अपने को कि देखो ऐसा बता रहा अपने को क्वेश्चन के अंदर, देखो अपने पास नॉर्मली क्वेश्चन जो है सेकंड क्वेश्चन अपने को ऐसा बता रहे हैं। देखो क्या बोल रहे अपने को, ये सेल्समैन रिसीव्स, ओके मतलब सेल्समैन रिसीव कर रहे कितने का, 3% कमीशन रिसीव कर रहे हैं, कमीशन ऑन द सेल्स अप टू 50,000, मतलब 50,000 तक नॉर्मली उसने क्या कर रहे थे, 50,000, मतलब अगर मैंने 50,000 गुड्स को सेल किया, कितने का गुड सेल किया मैंने 50,000, मुझे कितना मिलेगा, फिर 3% कमीशन मिलेगा, कितने परसेंट कमीशन मिलेगा मुझे, 3%। अगर इसके ऊपर जो कुछ भी मैं सेल करेगा उसके ऊपर मुझे क्या मिलेगा, फिर 4% की कमीशन। अगर फॉर एग्जांपल मैंने 60,000 का सेल, कितने का सेल किया टोटल मैंने 60,000 सेल किया, उसमें से 50,000 के ऊपर मुझे तो मिलेगा कितना, 3% कमीशन मिलेगा, कितना मिलेगा मुझे तो मिलेगा 3% मिलेगा। अभी एक्स्ट्रा में कितना सेल किया, 10,000 सेल किया, इस 10,000 के ऊपर मुझे कितना मिलेगा कमीशन, पे 4% मिलेगा। अभी क्या बोल रहे हैं, फाइंड हिज टोटल इनकम ऑन द सेल्स ऑफ रुपीज 2 लाख, मतलब उसने टोटल कितना सेल्स किया बोलते हैं अपने को, 2 लाख का सेल। अभी ये 2 लाख के ऊपर उसे टोटल कमीशन कितना मिला वो अपने को फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं अपने को, उसने कितना सेल किया उसके ऊपर अपने को नॉर्मली फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं, कितना उसने नॉर्मली कैसा कमीशन रिसीव किया। ठीक है मैंने इधर सॉल्व कर दूँ मैंने फिर उसका सोल्यूशन पे। ओके देखो इधर क्या बोल रहे अपने को, ऐसा मैं लिख रहा हूँ, देखो द ओके ऐसा लिखो मैंने फिर, देखो द सेल्समैन रिसीव्स 3% कमीशन, कितने परसेंट कमीशन रिसीव कर रहे हैं, 3% कमीशन, ओके ऑन द सेल्स अप टू
रुपीज अप टू रुपीज कितने के ऊपर 50,000 के ऊपर रिसीव करा, अप टू रुपीज 50,000 के ऊपर रिसीव करा है। देयरफॉर मैंने क्या करा फिर उसके ऊपर कमीशन फाइंड आउट करा, फिर देयरफॉर कमीशन इज इक्वल टू क्या रहेगा मेरे पास है, कमीशन इज इक्वल टू 50,000 इनटू नॉर्मली क्या रहेगा 3 डिवाइडेड बाय 100, 0 0 कैंसिल, इधर का 0 कैंसिल, मतलब बचा कितना है फिर मेरे पास है 5 इनटू 3 क्या कितना होता है 1500 रुपीज, कितना अमाउंट हो गया मेरे पास है 50, मतलब अगर 50,000 का मैं सेल किया तो उसके ऊपर मुझे कितना मिला 1500। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है आगे, मुझे ऐसा रेट फाइंड आउट करना है, देखो द सेल्समैन, ओके सेल्समैन रिसीव्ड 4% कमीशन, कितने परसेंट कमीशन रिसीव कर रहे हैं 4% कमीशन, ओके ऑन द सेल्स ओवर रुपीज, सेल्स ओवर रुपीज, ये भी मिटा दे रहा हूँ मैंने, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, सेल्स ओवर रुपीज नॉर्मली 50,000, ओके 50,000 के ऊपर जो कुछ भी मतलब उसने सेल किया तो उसके ऊपर नॉर्मली उनको कितना मिलेगा फिर 4% की कमीशन। अभी अपने पास नॉर्मली दिया अपने को टोटल सेल्स दिया, टोटल सेल्स कितना सेल किया नॉर्मली अपने पास है रुपीज 2 लाख रुपीज, कितना अमाउंट है मेरे पास है 2 लाख रुपीज, इधर दिया अपने को टोटल सेल्स जितना दे दिया अपने को कितना बता रहे अपने को 2 लाख रुपीज। देखो कमीशन इज इक्वल टू क्या रहेगा फिर, कमीशन इज इक्वल टू नॉर्मली मेरे पास ऐसा होता है 2 लाख माइनस, मतलब 2 लाख में से 50,000 को निकाल देते क्योंकि इसके 50,000 के ऊपर ऑलरेडी मैंने कमीशन ली, तो फिर से उसके ऊपर मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, इसके लिए मैं 2 लाख में से 50,000 को माइनस किया इनटू 4 डिवाइड बाय 100, मतलब क्या हो गया 4%। तो फाइनली क्या रहेगा 2 लाख में से 50,000 को निकालने पर क्या रहता है मेरा 1,50,000 होता है इनटू नॉर्मली क्या रहेगा 4 डिवाइड बाय 100, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, मतलब कितना हो गया फिर 15 इंटू 4 तो नॉर्मली कितना होता है 60, कितना होता है 60, इधर 2 0 बचा मतलब 6,000, मतलब 1,50,000 के ऊपर 4% के साथ मुझे कितना मिला फिर 6,000 का मिला। अभी मुझे बताओ टोटल कमीशन कितना हो जाएगा फिर, देखो टोटल कमीशन, ओके देखो टोटल कमीशन इज इक्वल टू अपने पास एक तो अपने पास ए वाला कितना 3% के साथ से 1,500 को रिसीव, और 4% के साथ साथ नॉर्मली कितना रिसीव किया 6,000 को रिसीव किया, मतलब क्या होता है फिर दोनों को प्लस करो मैंने 1,500 + 6,000, अभी दोनों को प्लस किया तो नॉर्मली कितना आएगा मेरे पास है 7,500 की क्या हो गया फिर मेरे पास है टोटल कमीशन। अभी फाइनली आपको लिखना क्या करते थी, देखो द टोटल अमाउंट रिसीव बाएगा सेल्समैन इज अ 7,500, आपको लास्ट इधर आपको क्लियरली इंडिकेट करना है, देखो द टोटल अमाउंट received by, okay, received by salesman, okay, salesman is equal to, normally कितना हो गया आपने बता सकते हैं 7,500, इसके अंदर कोई किसी रोटे लिखना है आपको फटाफट पास लिखो, एज अ कमीशन मतलब एज अ कमीशन करके पे किया ऑन द सेल्स ऑफ कंप्यूटर एट द रेट ऑफ 12% पर एन, मतलब 12.5% कमीशन पे किया कितने का 12.5% की कमीशन पे किया। इफ द प्राइस ऑफ द ईच कंप्यूटर वॉज नॉर्मली कितना होगा अपने को 32,000 करके बोलते हैं, देन हाउ मेनी कंप्यूटर डिड शी सेल, अभी देखो ऐसा बता रहे मिस्टर सरस्वती वॉज पेड रुपीज 88,000 कमीशन पे किया करके बोलते हैं सेल्स ऑफ कंप्यूटर, मतलब टोटल मतलब उसने कमीशन 88,000 पे किया तो कितने परसेंट के साथ पे किया करके बोलते कमीशन पे 12% करके बोलते कितना बोलते अपने को 12%। एक कंप्यूटर का वैल्यू जो है मेरे पास नॉर्मली कितना है 32,000, टोटल कमीशन में कितना पे किया 88,000 को पे, एंड हाउ मैनी कंप्यूटर डिड शी सेल, मतलब टोटल कंप्यूटर्स को कितना सेल किया वो अपने को फाइंड आउट करना, ओके क्या फाइंड आउट करना अपने को टोटल कंप्यूटर्स को कितना पे मतलब सेल किया वो अपने को फाइंड आउट करना। सो अभी तो ध्यान दो, अभी मैं आगे सोल्यूशन सॉल्व कर दूंगी। अब देखो सोल्यूशन है मेरे पास इसका, सोल्यूशन में क्या करके बोल रहा अपने को, पहला अपने पास टोटल कमीशन दिया मैं इधर देखो मैंने, देखो टोटल कमीशन मुझे बताओ टोटल कमीशन नॉर्मल अपने पास कितना दिया रुपीज, नॉर्मल अपने पास बता रहे 88,000 करके बोल रहे कितना बोल रहे अपने को कमीशन 88,000, और साथ में इसमें अपने पास नॉर्मल ये भी दिया अपने को क्या करके बोल रहे रेट ऑफ कमीशन भी, देखो द रेट ऑफ कमीशन
ओके रेट ऑफ कमीशन अपने पास नॉर्मली कितना दिया अपने पास है रेट ऑफ कमीशन इज इक्वल्स टू ओके 12.5% अपने को दिया। अब आगे मैंने क्या करके बोल रहा हूँ जितने भी कंप्यूटर्स को सेल किया है उसे मैंने एक्स करके अजम किया मतलब ऐसा लिखा देखो द टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स ओके नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को मैंने क्या करके बोल रहा हूँ मैंने नंबर ऑफ कंप्यूटर्स भी मैंने एक्स करके अजम किया देखो मेरा ये अजम्पशन ओके मैंने ये क्या कर रहा हूँ मैंने ये मेरा अजम्पशन हो गया मैंने अजम्पशन किया द टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स भी मैंने क्या करके बोला मैंने एक्स करके बोला। अब मैं बताऊँ देखो कमीशन इज इक्वल टू क्या रहेगा आपको मेरे पास देखो ऐसा हो सकता है ना कमीशन इज इक्वल टू जितने भी मैंने सेल किया इनटू रेट ऑफ कमीशन के साथ मुझे मंथली के अमाउंट ऑफ सेल्स मतलब मेरे पास ऐसा होगा क्या करके अमाउंट ऑफ सेल्स इनटू नॉर्मली क्या बोल रहा हूँ मैंने रेट से मल्टीप्लीकेशन क्या कर रहा हूँ मैंने रेट से मल्टीप्लीकेशन ओके मैं सॉरी इधर मैं ऐसा लिखता हूँ मैंने ये जो मेरा अजम्पशन है ना उस अजम्पशन को मैं ऐसा करके बोल रहा हूँ ये जो अजम्पशन मैंने लिखा ना इस अजम्पशन को मैं ऐसा लिख लूंगा क्या करके बोल दूं मैं ऐसा लिखो देखो लेट द सेल्स द टोटल अमाउंट ऑफ सेल ऑफ कंप्यूटर ओके सेल्स ऑफ अ कंप्यूटर बी एक्स करके बोल दूं इधर मैंने लिखा अमाउंट ऑफ सेल्स मतलब टोटल अमाउंट हो गया इनटू रेट मतलब रेट ऑफ क्या हो जाएगा इधर भी रेट ऑफ कमीशन सही है ना इधर मैंने क्या करके बोला मैंने इनटू रेट ऑफ कमीशन। अब मुझे बताओ अमाउंट ऑफ सेल्स मेरे पास कितना दिया फिर मैं अजम्पशन किया एज एक्स करके एक्स इनटू रेट ऑफ कमीशन मेरे पास कितना है फिर रेट ऑफ कमीशन ऑलरेडी अपने पास दिया है कितना करके बोल दिया अपने को 12.5% मतलब क्या हो गया 12/100। अभी मैं अगर इसे सॉल्व किया अभी मेरे पास कमीशन भी दे दिया अभी कमीशन नॉर्मली मेरे पास कितना करके बोल रहा अपने को 88,000 मैं इधर लिखा 88,000 अभी इसे मैं सॉल्व करूँ तो अगर इसे मैं सॉल्व किया 88,000 इज इक्वल्स टू क्या रहेगा 12.5x डिवाइड बाय क्या होता है मेरे पास 100। अभी ये वाला 100 अगर ये सड़ा है मतलब ये सब ट्रांसफर करना है तो नॉर्मली मल्टीप्लीकेशन मतलब क्या रहेगा फिर 88,000 इनटू नॉर्मली 100 इज इक्वल्स टू क्या रहेगा अभी 12.5x को भी इधर लाया तो क्या होगा डिविजन में चला जाएगा 88 लाख होता है डिवाइड बाई नॉर्मली क्या रहेगा फिर मेरे पास है 12.5। अभी मैं इसे डिवीजन करूँ क्या करो मैंने इधर डिवीजन करो इज इक्वल टू एक्स। अभी देखो इधर साइड में डिवीजन कर दूँ ऐसा दिया अपने पास है 88 लाख ओके 88 लाख और अगर और एक जीरो लगाया मैंने तो डिनोमिनेटर में मेरा जीरो हट जाएगा और एक जीरो लगाने पर क्या हो गया फिर मेरे पास है डिनोमिनेटर में जीरो हट गया। अभी इसे मैं सॉल्व करूँ तो नॉर्मली क्या करूँ मैंने इधर पाई का टेबल सॉल्व करूँ 525 यानी इधर क्या रहेगा फिर 5 1 5 रहेगा बचेगा कितना है फिर मेरे पास है 3 बचेगा मतलब 38 हो गया और 5 7 35 और कितना बचेगा 3 बचेगा 5 6 मतलब पाई का टेबल सॉल्व करने पर मेरे पास नॉर्मली ऐसे वैल्यू जो है बच जाएगा। अभी फिर से मैंने पाई का टेबल सॉल्व कर दूँ 5 5 देन आगे क्या रहेगा फिर मेरे पास है 5 3 कितना बचेगा 2 बच जाएगा 26 हो गया और 5 5 1 बचेगा 5 2 देन और फिर से मैंने 5 का टेबल सॉल्व किया 5 1 और 5 7 ओके मतलब इधर 0 लेकर सॉल्व ओके और इधर बचेगा मेरे पास 20 मतलब क्या होएगा फिर 5 4 मतलब फाइनली मेरा आंसर कितना हो गया फिर फाइनली मेरा x इज इक्वल टू नॉर्मली होता है कितना रहेगा फिर 7 लाख 4000 बचेगा मतलब मैं टोटल सेल्स कितने का किया मैंने फिर 7,04,000 का मैंने टोटल तो उसमें कितना किया मैंने 7,04,000 का टोटल सेल्स किया। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कितना अपने को वो फाइंड आउट करना है क्या फाइंड आउट करना है अपने को टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स अपने को फाइंड आउट करना है क्या फाइंड आउट करना है अपने पास टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स फाइंड आउट करना है। अभी इसका मतलब क्या हो गया अभी एक्स इज इक्वल टू मतलब टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स आया टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स कितना आ गया मेरे पास है 7,04,000 आया
अभी ये तो मेरे पास नॉर्मली क्या हो गया आपके टोटल सेल्स आ गए। अभी मुझे एक्चुअली ये फाइंड आउट करना है क्या टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कितना है। अभी ईच कंप्यूटर का वैल्यू दिया है, ओके, ईच कंप्यूटर का वैल्यू नॉर्मली मेरे पास कितना दिया है, इधर दिया है 32,000, ओके। देखो मैं इधर लिखो, देखो ईच, ओके, ईच कंप्यूटर वैल्यू, ओके, ईच कंप्यूटर वैल्यू नॉर्मली क्या बोल रहा है अपने को भी 32,000 दिए। देखो नॉर्मली मैंने आगे क्या करके बोल रहा हूँ, देखो टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इज इक्वल्स टू क्या रहेगा फिर टोटल सेल्स डिवाइड बाय क्या रहेगा फिर, ओके, टोटल सेल्स डिवाइड बाय क्या रहेगा फिर ईच कंप्यूटर वैल्यू, ओके। मैंने क्या करके बोल रहा हूँ ईच कंप्यूटर वैल्यू से मैं डिवाइड करूँ, ईच कंप्यूटर वैल्यू, ईच कंप्यूटर वैल्यू, अब मुझे बताओ टोटल सेल्स कितने मेरे पास है 7,04,000 डिवाइड बाय और ईच कंप्यूटर वैल्यू कितना हो गया मेरे पास 32,000। अगर मैंने इसे डिवीजन किया ना तो नॉर्मली कितना हो सकता है फिर मेरा, अभी मैं डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ, मैंने इधर देखो इधर 30 इधर का 30 कैंसिल, समय मारे इधर का 30 इधर का 30 कैंसिल 32,000 का और 32,000 का मतलब 32,000 कितना होते हैं 64 होगा। हमने बताओ 70 में से 64 को माइनस किया तो नॉर्मल बचा कितना है 6 बचेगा मतलब 64 मतलब 32,000 मतलब कितना हो गया मेरे पास टोटल सेल्स मतलब टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर कितना हो गया फिर 22,000। ये समय में आया सब लोग को, ये समय में आया सब लोग को मतलब टोटल।